केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने दौरे की शुरुआत सबसे पहले अपने यानी कि सिंधिया परिवार के सबसे महत्वपूर्ण कुल देवी मांडरी की माता के मंदिर से की। माता मंदिर के दर्शन के बाद वे हनुमान मंदिर खेड़ापति के लिए रवाना हो गए। उसके बाद वह एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर अधिकारियों से बैठक करेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में किस तरह का ग्वालियर होगा उसको लेकर आज चर्चा कर रहा हूँ। कल जो मेरा स्वागत किया गया उसके लिए अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ। जो आशीर्वाद मिला उसके लिए हमेशा ग्वालियर का ऋणी रहूंगा। मेरा जीवन जनसेवा विकास के लिए अग्रसर है, उसके लिए मैं मेरा जीवन समर्पित है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। वहीं उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार का मांडरे की माता मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक मंदिर है। हर साल आता हूं, मेरी दादी राजमाता सिंधिया मेरे पिताजी यहाँ आते थे, मेरा भी अटूट रिश्ता है। मांडरे की माता का मंदिर सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना और एक महत्वपूर्ण धर्मस्थल सदैव रहा है। हर वर्ष और सदैव यहाँ मांडरे की माता का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्रदान हमें हो, उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी जिंदगी हम लोग जिए जो मूल्यों पर आधारित हो, जनसेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो और लोगों के जीवन में विकास, प्रगति और खुशहाली लाना हमारा मकसद हो। यही प्रेरणा हमें मिलती है और सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी को। मेरी दादी राजमाता साहब विजयराजे सिंधिया जी यहाँ आती थी, मेरे पूज्य पिताजी हर वक्त यहाँ आते थे और मेरा भी एक अटूट धार्मिक विचारधारा इस मंदिर के साथ सदैव रहा है। तो हर बार जब मैं ग्वालियर आता हूँ, दशहरे के दिन पे तो होता ही है दर्शन, पर नहीं तो साल में कई बार यहाँ आके मैं दर्शन लेता हूँ।